रिवरफ्रंट घोटाले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। रिवरफ्रंट घोटाले में 9 अभियंताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने 3 अभियंताओं पर इसकी जांच गिराई है। परियोजनाओं से जुड़े हुए 3 अभियंताओं पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इन निलंबित कर्मचारियों के नाम काजिम अली, कमलेश्वर सिंह और एसके यादव बताए जा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हुई है और हमारे साथ सिंचाई मंत्री धर्मपाल जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या हुई है और किन के ऊपर कार्रवाई हुई। मंत्री जी, ऐसा है, गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहुंचकर उसके जो भ्रष्टाचार हुआ उसका अवलोकन किया कि भ्रष्टाचार कहाँ का हुआ और एक न्यायिक जाँच बैठाई। न्यायिक जाँच में जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया को पूरा कराया गया। 9 अधिकारियों के खिलाफ मेरे द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने CBI जांच के भी आदेश दे दिए गए। उसी प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। इसमें आज ही 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया। एक है काजिम अली जी जो मुख्य अभियंता रहे, दूसरे हैं कमलेश्वर सिंह जी जो अधीक्षण अभियंता रहे और तीसरे हैं सुरेंद्र सिंह जी यादव, ये अधिशासी अभियंता हैं। इस तरीके से योगी सरकार भ्रष्टाचार के टोटल खिलाफ है। भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, सरकार बनने के पहले ही एक नारा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेगी, सरकार बनेगी। अब जिस तरह से सब भ्रष्टाचार को सफाई करने का आपने एक बीड़ा उठा चुके हैं, आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है इसमें? ऐसा है, ये जाँच चल रही है और आगे निरंतरता में कार्रवाई होगी। विभागीय कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पे ये हमारे साथ थे। जिस तरह से सिंचाई मंत्री और उनके साफ तौर पे कहना है कि ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, आगे भी लगातार इसी तरह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ चलती रहेगी। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ योगेश पांडे, हिंदी खबर, लखनऊ।